जॉन सीना के चलते हो सकती है रोमन रेंस की हार। कल रॉक एंड राइवल चीफ करेंगे कुड़ी सैद पर वार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम रोमन, रॉक, सोलो, सीना, इवन बियांका बेलेयर जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जो देखेंगे एंड लाइक कर दीजिएगा दोस्तों आज भगवान शिव के नाम, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का पर्व। और मैं दोस्तों आप सब लोगों को इस चीज के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, WHG फैमिली की तरफ से। यहां दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस थिंग की जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों भगवान शिव के विपरीत है। शिव कहते हैं कि सभी मनुष्य एक है, शिव कहते हैं दोस्तों कि हर मनुष्य में वो समाहित है। लेकिन गाइज शायद से USA के फैंस को पता नहीं है कि भगवान शिव क्या कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बियां के साथ कर दिया एक बड़ा रेसिज्म। क्योंकि गाइज US के अंदर बहुत सारे लोगों ने बियांका के साथ कर दिया है बड़ा कांड। दरअसल दोस्तों कल WWE वालों ने कोडी, रिया एंड बियांका की तस्वीर डाली थी साथ में, जो कि ये चीज़ कह रहे थे कि 2K24 के कवर पिक पर ये तीन स्टार होने चाहिए। फैंस ने लिखा, यहाँ बियांका डिजर्व नहीं करती, इस काली लड़की को बाहर किया जाए, ये ब्लैक गर्ल डिजर्व नहीं करती है। कई लोगों ने लिखा कि ब्लैक गर्ल बियांका ब्लेयर इसीलिए है क्योंकि ताकि ब्लैक लोगों की जो सम्मान है उनको ठेस ना पहुंचे। तो कुल मिलाकर रेसिज्म चल रहा था दोस्तों कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर, और इस पर दोस्तों काफ़ी बड़ा स्टैंड लिया WWE सुपरस्टार्स ने और लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। बिगी ने ट्वीट किया है, रिया रिप्ले ने ट्वीट किया है, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे स्टार्स दोस्तों यहाँ ट्वीट किए हैं। हर कोई कह रहा है कि बियांका के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बियांका काफ़ी अच्छी सुपरस्टार है। और अभी भी दोस्तों WWE वाले पूछ रहे हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें कहनी है अच्छी तो आप अप्रिशिएशन कर सकते हैं बियांका। तो मैं तो दोस्तों अपनी तरफ से ये कहूँगा कि बियांका जितनी एथलेटिक सुपरस्टार अभी कंपनी के अंदर कोई नहीं है, और यहाँ दोस्तों ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है गाइस, वो जुड़ी हुई एक ऐसे बंदे के मैच से जो कि WWE के बाहर होने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो WWE के बाहर हो रहा है, और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि WWE के अंदर दिखाई दिया गया पास्ट में माइक टायसन, जो कि हमें पास्ट में देखने को मिले थे कंपनी के अंदर। आपको याद होगा 90 के दशक में, इवन 200 DX जब अपने पीक पर था, तब भी दोस्तों माइक टायसन ने सेगमेंट्स काटे थे WWE साथ। उनका मैच कन्फर्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, माइक टायसन जो है वो लड़ने वाले हैं दोस्तों लोगन पॉल के भाई यानी कि जेक पॉल के साथ, और इनका मैच दोस्तों 20 जुलाई को होने वाला है। वह सच्ची बात बताऊं दोस्तों, ये पर्टिकुलर मैच इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि माइक टायसन 57 साल के, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ हेट मिल रही है जेक पॉल को, और इसका मतलब ये भी है कि लोगन पॉल को भी दोस्तों अपने भाई के चलते हेट का सामना करना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि हमारी जुड़ी है अलेक्सा ब्लिस से। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ दोस्तों यहाँ आ रही है निकलकर। स्कूप द हील ने दोस्तों टीज किया है, इवन दोस्तों कई रूमर्स की माने तो अलेक्सा ब्लिस दोस्तों आपको जल्द रिटर्न करते हुए नजर आएगी। अलेक्सा काफ़ी टाइम से गायब थी, जिसका बस एक रीज़न था कि वो पेट से थी, बच्चा उनके होने वाला था और बच्चा हो गया है। और गाइज यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कुछ ही मंथ्स में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों रेसलमेनिया वो प्रीमियम लाइव इवेंट रह सकता है जिसके अंदर अलेक्सा ब्लिस हम लोगों को रिटर्न करते हुए नजर आए। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने टैग टाइटल्स की, तो हमने दो दिन से टैग टाइटल्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, कर लेते हैं। टैग टाइटल्स दोस्तों नए आने वाले हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, दरअसल बीते शो में दोस्तों निक कैल्डिस ने टीज कर दिया है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं टाइटल्स से रिलेटेड, और कंफर्म भी हो गया है कि टाइटल स्प्लिट जो है हो सकता है रेसलमेनिया से पहले हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि न्यू डिज़ाइन जो है वो काफ़ी महीने पहले ही बनकर रेडी हो चुके हैं, बस कंपनी ने इशारा देना है। तो कंपनी कब इशारा देगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या रेसलमेनिया से पहले इशारा देगी या फिर रेसलमेनिया के बाद, ये दोस्तों क्वेश्चन है, क्योंकि टाइटल तो रेडी है, रॉयल स्मैकडाउन के सेपरेट टैग टाइटल्स होने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे कॉनर मैकग्रेगर से। तो अभी से दोस्तों ठीक है एक हफ्ते पहले काफ़ी ज़्यादा रूमर्स तेज़ हुए थे कॉनर मैकग्रेगर से जुड़े हुए कि वो WWE के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों अब TKO ग्रुप के अंडर आ रहा है UFC एंड WWE भी। तो ऐसे में दोस्तों कई WWE के स्टार जो है UFC देखने भी जा रहे हैं, फ्रीक्वेंट जा रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों नाम आ रहा था कॉनर मैकग्रेगर का, ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे पूछा गया, वो ये चीज़ बोले, यू नेवर नो, लेट्स सी। तो कहीं ना कहीं कॉनर मैकग्रेगर ने भी कह दिया नेवर से नेवर, वो मना नहीं कर रहे हैं। और रूमर्स ये कह रहे थे
रेसलमेनिया में अपेयर हो सकते हैं। वेल, ट्रिपल एस दोस्तों हमेशा से अपने सरप्राइजेस के लिए जाने गए हैं और हम नहीं जानते ट्रिपल एस दोस्तों रेसलमेनिया में कौन सा बड़ा सरप्राइज जो है वो कुक कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने मनी इन द बैंक से। तो मनी इन द बैंक का दोस्तों पोस्टर निकल कर सामने आ चुका है। हल्का सा दोस्तों इसका रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले चीज़ ऊपर लिखा है टोरंटो, तो टोरंटो का आपको पता चल गया है टोरंटो में होने वाला है। और फिर दोस्तों हम नीचे सुपरस्टार्स को देख रहे हैं जिसमें रिकोशे है, सेथ है जो कि काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है, फिर इयो स्काई है, केविन ओवंस है, द मीज है, बियांका है, एजे है, और साथ साथ दोस्तों बेली के एक और बंदा है जो कि बताया जा रहा है कि फ्रंट रनर है इस बारी का मनी द बैंक जीतने का। एल एन आइड को बताया जा रहा है कि मनी द बैंक जीत सकते हैं। और सबसे नीचे दोस्तों हम देख रहे हैं कि 6 जुलाई को ये होने वाला है, यानी कि दोस्तों अभी टाइम है एक बंदे के पास कि वो अपना मनी द बैंक बचा ले, जो कि आज की हमारी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ भी है। तो आपको पोस्टर कैसा लगा है बेसिकली आप कॉमेंट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब डेमियन प्रीस्ट की। तो डेमियन प्रीस्ट के पास दोस्तों 3 महीने रह गए हैं अगर हम टेक्निकली देखें तो, क्योंकि दोस्तों अगर उन्होंने जुलाई 6 से पहले कैश इन नहीं किया तो फिर दोस्तों उनका जो ये मनी द बैंक है ये फॉल्स हो जाएगा, या फिर कह लीजिए दोस्तों टर्मिनेट हो जाएगा जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और 1 साल के लिए होता है जितना मुझे पता है। और गाइज अब उनके पास 3 महीने का टाइम रह गया, किसके ऊपर कैश इन करेंगे वाले इसके ऊपर अपडेट आ चुकी है। हाल फिलहाल में दोस्तों रोमन रेंस ने एक ब्रांड की दोस्तों एडवर्टीजमेंट की थी और इस एनर्जी ड्रिंक के दोस्तों वीडियो आप जाकर उनके इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिल रही, जैसे रोमन रेंस मुड़ते हैं ना वहाँ दोस्तों पड़ा हुआ था मनी द बैंक ब्रीफ केस, सीनियर मनी द बैंक उस पर लिखा हुआ जो कि डेमियन प्रीस्ट का आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईस्टर एग हो सकता है इस बात के ऊपर कि कहीं ना कहीं डेमियन प्रीस्ट कैश इन की ट्राई कर सकते हैं ट्राइबल चीफ के ऊपर। रेसलमेनिया काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है और डेमियन के पास एक बड़ा मौका रह सकता है कि वो मेन इवेंट में फीचर हो जाए, वो भी एंड मोमेंट पर, जैसे कि आज से कई साल पहले सेथ हो गए थे। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं ईस्टर एग इस बात को लेकर कि रोमन रेंस के ऊपर ट्राई किया जा सकता है मनी द बैंक। वेल, डेमियन प्रीस्ट के पास बहुत कम टाइम रह गया, अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वो करते हैं इस बारी के रेसलमेनिया में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकेंड लास्ट न्यूज़ की। सेकेंड लास्ट न्यूज़ जो आज के बारे जुड़ी हो दोस्तों हमारी अपनी स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। स्मैकडाउन की प्रीव्यू को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 3 से 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले चीज़ रे मिस्टीरियो का रियूनाइट करना अपनी टीम को। तो LWO को टूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अब ये फिर से रियूनाइट होगा। ज़ेलिना वेगा दोस्तों काफ़ी खुश थी लास्ट वीक जब रे मिस्टीरियो ने रिटर्न किया, और गाइस कहीं ना कहीं दोस्तों रे मिस्टीरियो के इस रिटर्न से सबसे ज़्यादा खुश है दोस्तों कार्लिटो, और कार्लिटो रे मिस्टीरियो LWO क्लब को रियूनाइट होते हुए नजर आएगी रिंग के अंदर, जहां ये चीज़ देखने को मिलेगी रे मिस्टीरियो एस्कोबार को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो काफ़ी ह्यूज मैच है, और ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेबल्स की लड़ाई में से निकल रहा है, बॉबी लैशली वर्सेस केरियन क्रॉस। वेल, सच्ची बात बताऊं जब से केरियन क्रॉस ने अपना स्टेबल बनाया बॉबी लैशली की नाक में दम कर रखा है। यहाँ दोस्तों देखेंगे इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जीतता कौन है। मेरे हिसाब से दोस्तों हो सकता है कि मैच और ज़्यादा डिले हो, मेरे हिसाब से दोस्तों एक किसी न किसी डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म होगा, क्योंकि दोनों स्टेबल्स के जो स्टार्स हैं वो नहीं चाहेंगे उनके गुरु उनके दोस्तों नेता इसके अंदर हारे। तो यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से DQ में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो सेमी मेन इवेंट में रखा गया है वो है लोगन पॉल रिटर्न्स। लोगन पॉल का दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रायो चला हुआ है, ट्रिपल थ्रेट चला हुआ है, और बताया जा रहा है दोस्तों कि ऑर्टन ओवंस को फेस कर सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। ऑर्टन का तो साफ है कि गाइज कल वो लोगन पॉल को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जो कुछ एलिमिनेशन चेंबर में हुआ एक ना एक RKO दोस्तों लोगन पॉल डिजर्व करते हैं, लेकिन इसमें तड़का लगा सकते हैं केविन ओवंस, बन सकता है ट्रिपल थ्रेट, हो सकता है कन्फर्म। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि नाइट का रहने वाला है, जो कि एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ काफी एक्सप्लोसिव भी होगा, वो है सेथ एंड कोडी की एंट्री। रॉक इंदर कंफर्म कर दिया कोडी ने कि वो फेस टू फेस आने वाले हैं रॉक एंड रोमन के, और इसका मतलब यह है कि कल रॉक एंड रोमन भी हो सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो सेथ एंड कोडी है उनको रिप्लाई देना है कि नाइट वन पर क्या वो रेडी है रॉक एंड रोमन को फेस करने के लिए। तो एक तरीके का दोस्तों रिस्पॉन्ड ये रहेगा चैलेंज पर, और मेरे हिसाब से दोस्तों सेथ एंड कोडी यही चीज़ कहेंगे कि हाँ बाबू मशाए हम 100% रेडी है तुम्हारी तोड़ने के लिए। हो सकता है दोस्तों इन चारों के बीच में तगड़ी ब्रॉल हो जिसमें कहीं ना कहीं सोलो जिमी भी इंडल्ज हो सकते हैं, और कोडी एंड सेथ के पिटाई के चांसेस बन रहे हैं यहाँ गाइज। अब देखते हैं होता गया है, लेकिन हाँ कल के स्मैकडाउन में मज़ा ज़रूर आएगा जब कोडी की एंट्रेंस होगी, कैसा ओवेशन उन्हें मिलता है देखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अब उस थिंग की जो कि कहीं ना कहीं कोडी को फ़ायदा पहुंचा सकती है, नाम है जॉन सीना। जी हाँ दोस्तों, जॉन सीना की अभी से 2 दिन पहले कोई भी बातचीत नहीं थी,
लेकिन कल न्यूज ब्रोक हुई कि जॉन सिना जो है रेसलमेनिया के लिए फ्री है। और एक और चीज आज आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए तस्वीर, ये रेसलमेनिया के दोस्तों मर्च बिक रहे हैं एक मॉल में। और गाइज यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि ऊपर इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं रोमन रिया एंड जॉन सिना भी है, तो जॉन सिना एडवर्टाइज होना शुरू हो चुके हैं रेसलमेनिया के लिए, रेसलमेनिया एक्सेल के लिए। और गाइज आप जानते हैं अगर सिना किसी को फेस करेंगे तो वो रह सकते हैं सोलो सिकोवा। लास्ट टाइम दोस्तों सोलो ने काफी बुरा किया था उनके साथ, और सीना दोस्तों बदला जरूर लेना चाहेंगे सोलो से। तो अगर दोस्तों मैच के अंदर सोलो इंडल्ज होते हैं नाइट टू पर रोमन रेंस वाले, तो वहां सीना डेफिनेटली आएंगे और सोलो से काको ठिकाने लगाएंगे। हु नोस, सीना की मदद के चलते कोडी बन जाए चैंपियन, स्टोरी हो जाए फिनिश। अभी तो समय बताएगा कि ये देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ चांसेस काफी ज्यादा है। वीडियो आज कितनी पसंद है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।